अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मास फ्रॉम लाइफ बॉय एंड यू आर वाचिंग लाइफ बॉय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आपने जैसे पिछली वीडियो में देखा था कि जो ट्रेवर ने शेख की एक कार चोरी की थी जिसका नाम था बुगाटी चेरॉन, तो इसने ट्रेवर ने कर ली थी चोरी और काफ़ी ज़्यादा इसको मुश्किल का सामना भी करना पड़ा था। पुलिस इसके पीछे पड़ गई थी, वो असल में पुलिस नहीं थी, उसके अंदर ज़्यादा बंदे थे वो शेख के ही बंदे थे। शेख ने जो है उसके हाथ जो थे कानून से भी ज़्यादा लंबे थे और उसने शेख ने हमारे पीछे जो है अपने बंदे डलवाए हुए थे और हम उनसे बच बच कर भाग रहे थे। लेकिन फिर आपने देखा कि हमने जो है अपनी कार किसी तरह एक अपनी बेस में रख दी है, लेकिन शेख जो था वो हमसे भी दो हाथ आगे निकला। उसने अपनी जो कार में GPS सिस्टम जो था वो फिट करवाया हुआ था, ट्रैकर फिट करवाया हुआ था और उसको उसने जो है पुलिस को खबर दे दी और पुलिस हमारी उस बेस के इर्द गिर्द मंडरा रही है। उनको ये नहीं पता कि कार जो है एग्जैक्टली कहाँ पर खड़ी है, लेकिन उनको ये पता है कि उस एरिया में खड़ी है। तो हमने जो है अभी प्लान एक ये बनाया है कि हम जो कार है वो प्योर गोल्ड की कार, आपको पता ही है भाई कि प्योर गोल्ड की बनी हुई है, तो उस कार को हमने जो है पानी के रास्ते से समुंदर से निकालना है और समुंदर से निकाल के हम जो उसको मॉडिफाई कराएंगे लॉस एंजेलिस कस्टम या जहाँ पर भी करवाना है, और उसके बाद हम उसका देखते हैं कि क्या करना है। तो पहले तो हम चलते हैं, हम पानी के रास्ते ही जाएंगे ताकि क्योंकि जो है दूसरी रोड्स पर रोड ब्लॉक है पूरी तरह और वहाँ पर जो है पुलिस की जो चौकियाँ वगैरह बनी हुई हैं और पुलिस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मंडरा रही है सर पे। इसके ख़िलाफ़ ड्राइवर के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा क्लू भी मिले, उन्हें तफ्तीश भी हुई है जरिए से, तो लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई इतना ज़्यादा ठोस सबूत नहीं मिला कि इसको पकड़ के ले जाएँ वो। इसलिए जो है मैंने वहाँ पर बोटें खड़ी की है, मैंने खड़ी यहाँ पर की थी, वो वहाँ पर झली गई है। तो पहले चलते हैं उधर और फिर हम समुद्र के रास्ते से ही जाएंगे उधर, क्योंकि हम अगर रोड से गए तो उनको पता चल जाएगा और वो हमें पकड़ भी सकते हैं। तो हम समुद्र के रास्ते से ही जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है इस साइड पे। तो पहले तो हम जो है ज़रा यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, अपनी डेस्टिनेशन लगा लेते हैं और फिर चलते हैं अब समुद्र के रास्ते से उधर तक जाएंगे हम। भैया आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम जो था साइकिल का इस्तेमाल किया हमने, तो उम्मीद है वो आपको पसंद भी आई होगी, उस पर कमेंट भी काफ़ी अच्छे थे और रिस्पांस काफ़ी अच्छा मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि और भी बनाऊं। और भाई आपने दूसरी बार नोटिस की होगी कि हमारे जो है माशाल्लाह से 900 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और 900 भी प्लस हम माशाल्लाह से कर चुके हैं क्रॉस, और इसी तरह भाई लोग आप सपोर्ट करते रहें तो हम भी इंशाल्लाह 1K भी जल्द से जल्द पहुँच ही जाएँगे। जल्दी जल्दी भाई 1K करवाओ, जल्द से जल्द 1K करवाओ अभी के अभी, और जो लाइक का बटन उसे ठोक दो, लाइक के बटन को ठोक के ना मरोड़ के फेंक दो उसको, मतलब नीला कर देना पहले, ऐसे ना फेंक देना, पहले इसको ब्लू कर लो फिर उसको जो है फेंक दो। तो हमने जो है वो वाली जो बोट इस तरफ खड़ी है ये देख सकते हैं आप टग, तो इस पर हम लेके जाएंगे अपनी कार को। उस साइड में बिल्कुल जो है पुलिस की लगी हुई है, हर तरफ पुलिस खड़ी है, तो हमने जो टग ये यहाँ पर रिपोर्ट करवाई है बाहर से और हम इस पर ही है अपनी जो कार वो लोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी बेस पे बंदे सारे खड़े हैं, सारे अपनी पोजीशन लेके खड़े हैं, तो उस साइड पे भी खड़े हैं और इस साइड पे भी, इधर भी खड़े हैं। और हम चलते हैं, आपको थोड़ी सी कार दिखा देता हूँ, कार भी वहाँ पर ही खड़ी है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो उसकी देखभाल की है। और भाई निकल जा, क्या कर रहा है, वहाँ पर खड़ी है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसकी जो है देखभाल भी की है, कपड़ा शपड़ा ठाकी शाकी मार के रखी हुई है भाई उसे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारी जो गोल्ड की बुगाटी यहाँ पर बिल्कुल खड़ी है और कोई इसको नुकसान नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये चोरी होगी या कोई बात नहीं ऐसी, क्योंकि सारे जो बंदे अपने ही हैं, ड्राइवर के भरोसे के बंदे हैं और इसने जो सारे बंदे यहाँ पर खड़े किए हुए हैं अपने, ताकि कोई मसला ना पैदा हो। तो इस कार को जो है बंदे हमारे टग में लोड करेंगे, मैंने इसे इन्हें बता दिया सारा प्लान, हमारी मीटिंग हुई थी जो ड्राइवर की और इनकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें यही तय पाया है कि अभी जो कार को उस वो टग में हम लोड करेंगे और लोड करके उस वाले किनारे पे हम ले जाएंगे इसे, वो जहाँ से हम आए हैं अभी, तो वहाँ पर खड़े करके तो इसको कार को निकाल के हम इसकी मॉडिफिकेशन करवाएंगे, कलर वगैरह चेंज करवाएंगे और जो है इसे आगे माइकल को भेजना होगा उसे भेज देंगे, जिसे भी करना जैसा इसका करना होगा कर लेंगे हम। तो पहले तो हम आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस भी यहाँ पर खड़ी है दो तीन जगह पे, हमारे बंदे जो इसे लोड कर लेते हैं उतनी देर तक उधर, तो मैं आपको दिखाता हूँ उधर बाहर की तरफ, पहले चलते हैं हम पीछे पीछे से देखेंगे क्योंकि हर जगह जो है पुलिस के नाके लगे हुए हैं। तो भाई जैसे आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वो खड़ी हैं दो पुलिस की कार, इधर भी खड़ी हैं, दूसरी साइड पर भी खड़ी हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, लेकिन देख सकते हैं आप वहाँ पर खड़ी हैं, हम ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएँगे, वो कहीं पहचान ना ले हमें। तो दूसरी साइड पे चलते हैं, दूसरी साइड पे भी दिखा देता हूँ आपको, उन्होंने हर जगह जो है ब्लॉक किया हुआ है रास्ते,
क्योंकि उनको इतनी खबर है कि इस एरिया में है कार, उन्होंने भी यहाँ पर सर्चिंग शुरू नहीं की। जैसे ही पता चला है ड्राइवर को कि वो इधर सर्च कर रहे हैं, तो ड्राइवर जल्दी से वहाँ से अपने घर से भागा और उसने यहाँ पर इसको इसने बंदे को अपने सारी मीटिंग वगैरह कर ली थी कि कैसे हमने कार को निकालना है वहाँ से, क्योंकि एक खबरी था ड्राइवर का उधर उसमें पुलिस में है, ड्राइवर का खबरी एक उसने इसको बता दिया था कि वहाँ पर उनको पता चल गया कि कार जो है वहाँ पर खड़ी है। आपको दिखाता हूँ, उस तरफ भी है पुलिस खड़ी है। भाई इतनी दूर हम पैदल को जा रहे हैं, हमारा ड्रोन जो है हमारे पास, ड्रोन ऑन करते हैं, चलते हैं, तो दिखाता हूँ आपको ड्रोन पे, वो देख सकते हैं भाई उधर खड़ी है, दो यहाँ पर कार्स खड़ी हैं और दो पीछे भी खड़ी हैं। तो हम इस रास्ते, इन दोनों रास्ते से तो उन्होंने ब्लॉक किया, इस रास्ते से हम जा ही नहीं सकते वैसे ही। तो चलते हैं फिर भाई दोबारा उधर ही, और हमारे बंदों ने देखते हैं कार जो लोड कर दी होगी। तो जैसा कि यार आपने देख लिया कि बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पुलिस पहरा हमारे दे रही है, और उनको पता भी चल गया है कि कार हमारे इस साइड पर या इसी एरिया में है कहीं, और हमारे बंदों ने जो कार है वो लोड कर दी है हमारी टग में, जो शिप थी उसमें हमारी जो कार है वो लोड हो चुकी है। और अभी हम वही कार लेके यहाँ से निकल जाएंगे, पानी के रास्ते से निकल जाएंगे। बंदों ने कार तो लोड कर दी, आपको दिखा देता हूँ मैं, शिप के ऊपर कार जो है लोड हो चुकी है। भाई इधर से निकलते हैं, गिर गया, इसको क्या हुआ, गिर गया। चलें चलते हैं भाई, देखते हैं वहाँ पर हमारी कार जो है वो लोड हो चुकी है, बंदों ने कर दी लोड कार हमारी। तो आपको मैं ड्रोन से ज़रा दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप हमारी वही कार है बिल्कुल, कोई इसमें जो है चेंजेस नहीं है, सारी जो गोल्ड की है हमारी इसके साथ जो ऊपर लोड कर दी है बंदों ने हमारे। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इनको भी, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं फिर, पहले तो हम जो है ट्रक में बैठते हैं अंदर, और उसके बाद अपना काम लेके चलते हैं इसे, हम इसको किनारे पे ले जाएंगे और वहाँ से इसको दोबारा से इसके अंदर से निकाल के और अनलोड करके इसको जो है ज़रा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इसको बोर्ड को निकालते हैं, कहाँ पर हैं स्टेयर्स, किस तरफ चली गई, तो ये रही स्टेयर्स, हम चलते हैं ऊपर और चलते हैं लेके फिर अपनी कार को यहाँ से, सेफली निकल जाएंगे, कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा हमें। तो हमारी जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है, हम यहाँ से निकलते हैं पूरी तरह से, और किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। बोट जो काफ़ी ज़्यादा आहिस्ता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें जल्दी जाना पड़ेगा वहाँ पर, ये ना हो कि पुलिस यहाँ पर भी कहीं आ जाए। वैसे हमारे बंदों ने पूरा पता तो लगवाया है कि पुलिस यहाँ पर तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्या पता होता है, जिस हिसाब से ये चल रही है मुझे तो लग रहा है कि शाम यही पड़ जाएगी हमें। कोई बात नहीं, चलो हम वहाँ से जो है निकल तो आए हैं ब्लू एरिया से, जैसे होता है उसमें ब्लू जोन होता है उस पबजी में, वैसे ही हम यहाँ से तो निकल आए हैं, डेंजर जोन से निकल आए हैं। अभी थोड़ा सा चलते हैं आगे की तरफ और अपना काम जो है सारा सही तरह से मुकम्मल कर लेंगे, उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी हमें। पहले देख लें हमें जाना किस तरफ है, तो हमें जाना वो यहाँ पर है भाई, इस तरफ यहाँ पर है किनारा, तो इधर ही जाएंगे, बिल्कुल सुकून से जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो भाई जो है हम यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले ही हैं अभी, यहाँ पर अपनी जो है कार वो अनलोड करेंगे और इसको लेके यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि हम जो है डेंजर जोन से बाहर निकल आए हैं और अपना सेफ जोन में हम पहुँच चुके हैं, गेट टू द सेफ जोन। तो यार हम नीचे लग रही है, हमारी बोर्ड नीचे लग रही है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम जो अपनी कार तो नहीं है, अपनी बोट जो बिल्कुल खटारा सी है, इसे हम यहाँ पर पार्क कर देंगे और अपनी बोट को यहाँ से निकाल लेंगे, बाहर जाने दो, जाने दो बाहर। तो यहाँ पर ही रोक लेते हैं और अपनी जो कार है वो अनलोड करते हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है। तो हमने अपनी कार जो है अनलोड कर ली है वो हमारी बोट से, और इसको हम लेके चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर रॉन ने हमें बता दिया है कि इस तरफ कोई सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं है, पुलिस भी इतनी ज़्यादा नहीं है इस तरफ भाई लोग। तो हम जो है कार को लेके यहाँ से निकलते हैं और उसको जो है उधर लेके जाएं किसी लॉस एंजल्स कस्टम में। सबसे पहले तो उसको जो है कलर चेंज करवाते हैं, बाकी इसके आगे देखते हैं फिर क्या करना है, क्योंकि ये पहचान अभी हो जानी काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो सबसे पहले तो जो है निशान लगा लेते हैं कि किस तरफ हमें जाना होगा। तो लॉस सैंटोस कस्टम कोई नज़दीक नहीं है यहाँ पर, नज़दीक वाला कोई ढूंढते हैं और वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर था भाई एक, किस तरफ हो सकता है,
यहाँ से तो मिलने मिलना नहीं है, तो यहाँ पर ही हमें देखना पड़ेगा। कोई है नज़दीक? आ जाओ सामने भाई, आ जाओ सामने, ज़्यादा वेट ना कराओ। ये इस तरफ है, ये इतनी दूर है, ये इतनी दूर है, इसलिए तो दो ही हैं। लॉस सैंटोस कस्टम नहीं, हमें और कहीं जाना पड़ेगा फिर तो। और कोई है हमारे आसपास? तो और कोई नहीं है मेरा ख्याल भाई, तो हमें मेरे ख्याल ऐसे दूर ही जाना पड़ेगा। चले कोई बात नहीं, एक बार दोबारा जो है देख लेते, शायद हमारी नज़र से कुछ रह गया हो। दो ही हैं तो हमें यहाँ पर ही जाना पड़ेगा, काफ़ी दूर है तो दूर, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, शहर से होकर हमें जाना है। तो रॉन ने वैसे बता दिया हमारा जो रास्ता तो साफ है इतना, क्योंकि उनको जहाँ पर शक था शेख ने वहाँ पर ही जो अपने बंदे खड़े करवाए हैं, बाकी उसने ज़्यादा इतनी ज़्यादा कहीं नहीं करवाए। क्योंकि आपको पता ही है कि शेख का जो पैसा था वो ब्लैक का है, तो उसने अपने ब्लैक के पैसे से ये बुगाटी चेरोन खरीदी थी, जो हमने खरीद जो खरीदी तो नहीं है, चोरी कर ली है भाई बिल्कुल। चोर के घर में चोरी की है तो इसका कोई गुनाह नहीं मिलेगा। ओके तो चलते हैं, अपनी जर्नी शुरू करते हैं। लेट्स बिगेन आवर जर्नी। तो जल्दी जल्दी हम यहाँ से निकलते हैं, कोई पता नहीं होता ना भाई, आपको पता है शेखों का जो दिमाग है वो हिलाता है बिल्कुल, दुबई के शेखों का। पाकिस्तान के शेख तो अच्छे हैं, ऐसे ऑफेंड ना हो जाना भाई। तो दुबई के शेखों की बात कर रहा हूँ, आपको पता है दिमाग उनका हिला होता है बिल्कुल, तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। साइड पे हो जा भाई, साइड पे हो जा, हमें जाले ने दे, जाले ने दे, लगानी नहीं है भाई कहीं भी। सारे लोग भी जो है देख के हैरान हो रहे हैं, हमारी जो कार है वो गोल्ड की है प्योर, तो ऐसी इन्होंने देखी नहीं होगी कहीं, गरीब लोग हैं। इनकी औकात से बाहर है ये कार यार, इनकी औकात से बाहर। वैसे तो ड्राइवर की औकात से ही बाहर थी, लेकिन शेख की औकात में थी और शेख को इसने लूट लिया है। तो भाई यार एक दफ़ा दोबारा जो है आप लोग सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। हम जो है 900 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं, पहले ही आपको बताया था, आपने देखी है वीडियो पीछे से तो आपको पता चली होगा, पहले भी आपको मैंने बताया था। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ऐसे ही हम 1K भी सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, लोग सपोर्ट करोगे तो हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि आपकी जो मेरी जो पिछली वीडियो थी उस पर भी आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था माशाल्लाह से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने सोचा कि इसके और भी एपिसोड बनाने चाहिए। आपको पसंद आ रहे हैं भाई, लोगों को पसंद आ रहे हैं, क्योंकि भाई आपकी जो है सपोर्ट वो हमें लाइक से नज़र आती है, तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को ताकि पता चल जाए कि भाई लोगों को वीडियो हमारी पसंद आ रही है। तो चलते हैं फिर, निकलते हैं किस तरह यहाँ से, जल्दी जल्दी हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि ख़तरा जो है अभी भी चारों तरफ मंडला रहा है, हमारे सर पर ही है। पुलिस से बच बचा के हमें यहाँ से निकलना होगा किसी तरह भी। तो भाई हम पहुँचने वाले ही हैं बस वहाँ पर, और पहुँच कर हम इसकी जो है डेंटिंग पेंटिंग करवा देंगे। अब ऊपर आ गए हम, किस साइड पर आ गए? अच्छा उस साइड पर है, इसकी पहुँच कर डेंटिंग पेंटिंग करवाते हैं। मेरे ख्याल हम गलत आ गए हैं, किसी जगह ऊपर की तरफ से जाना था, फ्लाई ओवर की तरफ से, तो यहाँ पर कोई और रास्ता भी नहीं है जाने का, तो देखते हैं पहले, तो शायद हो ऊपर की तरफ कहीं, यही डर लग रहा है मुझे। GTA 5 के नेविगेशन सिस्टम में भी काफ़ी मसला है, गलत बताइए सारा रास्ता यार, भटक गए हैं, पीछे आ गए हैं काफ़ी। नहीं, अब सही, मेरे ख्याल अब जा रहे हैं सही, सही है, अब सही है, ठीक है ठीक है ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं भाई। नेविगेशन सिस्टम ने गलती कर दी है। अच्छा उधर ही आ गए हैं भाई, उधर ही। अच्छा ये नीचे को भी जाती है जगह, तो नीचे को भी जाती है शायद, यही हो फिर, यही लग रहा है मुझे, तो इस साइड को जाते हैं फिर। और ये हम पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस कस्टम्स पे, तो यहाँ पर पहले तो कार का मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं जल्द से जल्द। पहुंच चुके हैं, कबाड़ खाना वैसे है पूरा, लेकिन फिर भी सही है, हमारा काम तो बन जाएगा ना, रिपेयर व्हीकल, गाड़ी भी ठुक चुकी थी। तो आरबर इसका 100% करते हैं, ब्रेक्स के 100% करते हैं, जो इसका इंजन है वो भी जो है हम कर लेते हैं लेवल 4 का। पहले लेवल 4 का लगा था, लेकिन और ज़्यादा हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा डबल, तो 3,350 डॉलर कुछ भी नहीं है भाई, ड्राइवर के सामने कुछ भी नहीं है, हॉर्न यही रहने देते हैं क्योंकि इस पर इतने ज़्यादा अच्छे हॉर्न नहीं है कोई। तो ज़ीनॉन लाइट्स क्या कहते हैं इसे मुझे पता नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। और लेआउट इसकी 3,000 डॉलर में चारों तरफ हो जाएगी, फ्रंट बैक और साइड पर। तो नियॉन कलर हम चूज़ कर लेते हैं पहले, नियॉन कलर कौन सा रख सकते हैं हम, नियॉन कलर हम चलो रेड रख लेते हैं, रेड ठीक है रेड।
और नंबर प्लेट हम ब्लैक कर लेते हैं, नंबर प्लेट तो नज़र भी नहीं आ रही, चलें जो भी हो जाए, नंबर प्लेट में तो नज़र आ रही है। तो अब जो है भाई मेन काम है इसका कि इसका कलर कौन सा करवाएं, मेन काम तो यही है इसका, क्योंकि हमने इसको ऐसे छुपाना है बिल्कुल ताकि ये पहचानी ना जाए कि ये गोल्ड की है, ये किस चीज़ की बनी हुई है। तो सारा जो पहले हम देख लेते हैं, आगे से चेंज हो रहा है भाई, पीछे क्यों लेके आ गए यहाँ पर। तो मेरा जो ख्याल है वो एक ग्रीनिश कलर, तकरीबन जो ग्रीन ग्रीन कलर होता है वो मेरा तो कर रहा है। आपका क्या ख्याल है भाई, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, और बताना कि कार जो सही मॉडिफाई हुई है या नहीं। तो इस तरह से कुछ मेरा तो काम दिल कर रहा है कि कर लें, लेकिन चले देखते हैं और भी शायद हो जाए कुछ। तो रेड भी ठीक है, रेड एंड ब्लैक कर लेते हैं। ये ऑरेंज है, ये तो ऑरेंज है भाई, ये ऑरेंज है, कलर ब्लाइंड नहीं हूँ वैसे मैं। तो यहाँ पर ये रेड ठीक है, कैंडी रेड। और इसका सेकेंडरी कलर जो है वो हम चेंज करवाते हैं, वो भी क्लासिक में ही करवाएंगे, ब्लैक करवा लेते हैं पीछे से। रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, वैसे ये भी अच्छी है भाई। तो ब्लैक ठीक है, वैसे तो ब्लैक ढूंढ लेते हैं पहले, ब्लैक 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 ब्लैक, ये रहा ब्लैक, तो यार ब्लैक कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारी कार नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी है वैसे भाई, कार तो काफ़ी अच्छी बन गई है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि अच्छी बनी है या नहीं कार, मुझे तो अपनी तरफ से सही लग रही है। तो सस्पेंशन इसके ठीक है, ऊपर ही बहुत ज़्यादा लो नहीं अच्छे लगते मुझे। तो रेस ट्रांसमिशन टर्बो हाँ चाहिए हमें, व्हील्स, व्हील टाइप जो हम करा लेते हैं यहाँ पर हाई एंड। तो व्हील मेरे ख्याल ये पुराने ठीक है जो, नहीं नहीं ठीक नहीं है, नहीं ठीक नहीं ठीक, तो ये वाले ठीक है भाई साहब। चेक करो यार व्हील चेक करो, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। आप बताना कमेंट में कैसे लगे व्हील इसके, तो व्हील भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और व्हील कलर, व्हील कलर ठीक है, व्हील कलर ठीक है, यही रेडी। टायर्स, टायर डिज़ाइन, चलो थोड़ा टायर डिज़ाइन, टायर इन्हेंसमेंट, बुलेट प्रूफ है पहले से ही, टायर स्मोक, टायर का स्मोक कौन सा कर सकते हैं, ब्लू कर लेते हैं, चले ब्लू ठीक है। विंडोज़ हम कौन सी करें, विंडोज़ पे मसला ख़त्म होता है क्योंकि अंदर से भी नज़र नहीं आता यार जब विंडोज़ ज़्यादा ब्लैक हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल लाइट स्मोक ठीक है, लाइट स्मोक के साथ हमें जो है ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी अंदर से। वैसे नन भी ठीक है, लेकिन लाइट स्मोक फिर भी चलें कोई बात नहीं, वीआईपी बन जाएगी ना। तो हमारी जो कार की मॉडिफिकेशन है वो हो चुकी है, इसको हम ज़रा बाहर लेके आते हैं और आपको जो है नाइट, इसका नाइट टाइम भी दिखा देते हैं कैसा नज़र आती है कार। तो कार हमारी बन के आ चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो पहले तो हम ज़रा टाइम चेंज कर लेते हैं कि देखते हैं रात टाइम कैसी नज़र आती है। भाई चेक करो रात टाइम, ये रात का टाइम, तो रात टाइम कुछ हमारी कार इस तरह से नज़र आती है। और बुगाटी चेरॉन आपको पता ही होगा, इसकी कार की स्मोक तो सुबह टाइम ही नज़र आएगी, सुबह कर लेते हैं दोबारा चले। तो टाई की स्मोक, ओबे भाई बर्न आउट बिली का मोड मैंने किया, वो उड़ती है भाई उड़ती है। ब्लू स्मोक इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलें काम चलता है, सही है फिर भी। तो हमारी कार जो है पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, मैंने लॉस सैंटोस कस्टम इसको फ़ोन पहले भी कर दिया था कि हमारी जो है बुकिंग कर ले, हमारा हो चुका है, हमने कार चोरी की है, इसको ही पता है और किसी को पता नहीं है। हालांकि माइकल और फ्रैंकलिन को भी पता है, हमारा पेट्रोल भी जो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुका है मेरे ख्याल नज़दीक ही है। तो यहाँ पर चलते हैं पेट्रोल भरवाते हैं। अच्छा हम घूम के वहाँ पर ही आए थे भाई, चेक करो यार सामने पेट्रोल पम्प है, पेट्रोल पम्प से पेट्रोल भरवाते हैं, तो कोई डर रहा है भाई। तो हॉर्न देते हैं और हमारा पेट्रोल ही फिल हो रहा है, तो पेट्रोल फिल हो चुका है। अभी हम कर लेते हैं माइकल को फ़ोन, और माइकल को फ़ोन करने के बाद उसको जो है कार उसके साथ सौदा करते हैं। यही वैसे दिमाग में तो यही आया कि ऐसे ही करना चाहिए वैसे। तो ये हम जो है कार माइकल को बेच देंगे, फ्रैंकलिन को बोला था लेकिन फ्रैंकलिन नहीं माना, वो उसको पता चल गया था कि, हालांकि उसको बताया नहीं था ड्राइवर ने कि ये चोरी की कार, उसको पता चल गया था, कहता नहीं भाई मैं ऐसे काम छोड़ दिए। तो हमने कहा ठीक है भाई फिर छोड़ दिए तो ठीक है, अपने हाथ से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है, इतनी अच्छी कार जो है वो छोड़ रहा है। ये कौन सी है, टोयोटा करोला खड़ी है, पता नहीं कौन सा मॉडल, मॉडल का भाई मुझे नहीं पता होता, सिर्फ मुझे कार से मतलब होता है। तो इसका जो है ज़रा माइकल को कॉल कर लेते हैं और फिर चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर वो बुलाता है। तो हमने जो है माइकल को फ़ोन कर दिया था भाई, और रात भी हो चुकी है, हमने माइकल को रात का वक्त दिया था, उसकी भी बार बार कॉल आ रही थी, कहता कि आ जाओ अब किधर हो। तो उसको ये पता नहीं है कि रात को हमने बुलाया क्यों है, ये भी हमारे, आपको पता है कि ड्राइवर बंदा चालबाज है पूरा, और अपनी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, हिफाजत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है।
और माइकल को हमने एक बहुत ही सुनसान सी जगह पे बुलाया, बिल्डिंग जो बन रही है नई, तो वहाँ पर हमने माइकल को बुला लिया। तो इस तरफ है कुछ, यहाँ पर बिल्डिंग है और यहाँ पर नई बन रही है बिल्डिंग, तो कंस्ट्रक्शन का काम भी है और रात टाइम यहाँ पर होता भी कोई नहीं है, तो इसलिए माइकल को हमने यहाँ पर बुला लिया है ताकि जो हमें कोई ज़्यादा ख़तरा ना हो। तो फिर चलते हैं भाई लोग उधर, और माइकल से जो अपनी कार है इतनी मेहनत से हमने चोरी की है उसकी डीलिंग कर लेते हैं उससे, और अपने पैसे जो है वो ले लेते हैं। तो माइकल का यार फ़ोन आई जा रहे हैं बार बार, अभी पहुंच जाएंगे हम जल्दी से उधर, और उसके साथ जो हम मीटिंग जो हमारा प्लान था वो सारा सक्सेसफुल हो जाए। ये ना किसी को पुलिस है यहाँ पर, नहीं हमारे पीछे, मैं डर गया था, मेरी समझा पुलिस जो है हमारे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन आपको पता है फिर डॉन का पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो इसलिए ये अपने दिमाग से जो ख्याल निकाल फिर गलत आ गए हैं। माइकल ने हमें डेस्टिनेशन दी थी वो यहाँ पर अंदर की है, ओ सॉरी हमने दी थी माइकल को, माइकल ने क्या देनी थी डेस्टिनेशन, तो इस साइड पे होगा माइकल, इसी जगह मैंने उसे बताया था, तो मेरे ख्याल वही है माइकल। हाँ वही रहा माइकल भाई, इधर खड़ा है माइकल, कॉफ़ी अपनी जो है इंजॉय कर रहा है। इसके साथ थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर इसकी इसको पेपर्स वगैरह देते हैं कार के, तो उसके बाद जो है ये इसको कार हम बेच देंगे, काफ़ी ज़्यादा महंगी बेचेंगे, जितने की ये है भी नहीं उतने की बेचेंगे भाई, इसे टेंशन नहीं लेनी। तो लेकिन ये इसकी औकात में होगी वैसे माइकल के, तो होगी मेरा ख्याल है, काफ़ी अमीर बंदा है वैसे तो उसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर सारा जो है काम निपटा देते हैं। तो बात कर रहा है अभी जो अपना ट्रेवर बात कर रहा है माइकल के साथ, तो ट्रेवर ने जो है माइकल को गाड़ी बेच दी है, काफ़ी ज़्यादा महंगी बेची है, और वो खुद चला गया यहाँ से क्योंकि आपको पता ही है क्या मसला होगा, और उसको पुलिस का जो है काफ़ी ज़्यादा डर है, तो इसलिए वो चला गया यहाँ से और गाड़ी जो है माइकल को दे गए, माइकल ने कार उसे ख़रीद ली है। और हम अभी जो माइकल इसको टेस्ट करेगा, क्योंकि ट्रेवर ने इसको टेस्ट करने का मौका ही नहीं दिया, तो उसने कहा कि जल्दी से आप लो और आपको यकीन नहीं है मुझ पर, आपको पता है ट्रेवर फिर जो है इमोशनल अत्याचार करता है, तो फिर माइकल उसके झांसे में आ गया, लेकिन कार का भी पहचानने वाला कोई नहीं है, और इसको ज़रा माइकल टेस्ट करेगा, टेस्ट क्या करनी है, बस ले गया पैसे भी ले गया, और ये कार जो है माइकल की हो चुकी है। अभी जो है कार हम जो इसको घर खड़ी कर देंगे, अपने पहले घर का निशान लगाते हैं, तो घर का पहले निशान लगा लेते हैं, यहाँ पर है हमारा घर, तो इस साइड पे पहले पहुँच जाते हैं, जल्दी से चलते हैं और घर में इसको कार को जो खड़ी कर देते हैं ताकि कोई जो परेशानी ना हो फिलहाल। वैसे माइकल ने कार ले ली है और माइकल काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी कर रहा था, कार तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको क्या पता कि शेख की कार चोरी की है इसने। अभी खतरे की भी कोई बात नहीं है, माइकल जो ड्राइवर जो है यहाँ से चला गया, खतरे की भी अभी कोई बात नहीं है क्योंकि उस सैंडी सैंडी शॉर्ट में ठुक गई यार, ठुक गई कार, ठुक गई इतनी महंगी कार ठुक गई। तो सैंडी शॉर्ट में क्योंकि माइकल तो रहता नहीं उसका यहाँ, वहाँ पर कोई वास्ता भी नहीं है और किसी को शक भी नहीं होना कि ये कार जो है शहर में पहुँच भी चुकी है, बहुत ही सीक्रेटली हम कार को ले भी आए हैं और सारा जो है काम हमारा ख़त्म कर लिया है हमने। कार की जो स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, माइकल इसकी भी काफ़ी तारीफ कर रहा था और उसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उम्मीद है कि ये चेंज नहीं करवाएगा कलर, क्योंकि अगर चेंज करवाया तो उसे पता भी चल सकता है कि ये कार जो है गोल्ड की है, और उसे पता है कि ट्रैवर की इतनी औकात नहीं है फिलहाल के वो गोल्ड की कार खरीद सके। घर माइकल पहुंच चुका है और माइकल जो है अपने घर में इस कार को खड़ी कर देगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिशंस में भी कई ये कार जो है यूज़ होगी। तो जल्दी से इसे अपने गैराज में खड़ी कर देते हैं और वीडियो का जो है ख़त्म करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। तो कार हमारी बुगाटी चिरोन गैराज में खड़ी हो चुकी है और उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो पे, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना यार भूला करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहें, जल्दी हम पहुँच जाएंगे 1K सब्सक्राइबर तक, और 1K सब्सक्राइबर तक शायद कोई अच्छी वीडियो और भी आए। आप जो है अपना राय ज़रूर दें कि हम 1K सब्सक्राइबर पर कोई वीडियो, स्पेशल वीडियो क्या करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।